सभी को नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ इस क्षेत्र के माझी विधायक श्री सुनील हेगड़े जी है, जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के उम्मीदवार श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागिरी जी के लिए दांडेली में प्रचार कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, ये जो आपका नारा है, इस नारे को आप कहां तक ले जाएंगे और क्या इस बार 400 पार होगी भारतीय जनता पार्टी? सबको नमस्कार। तुम्हारे माध्यम के जरिए से दांडेली के लोगों को, सनातन धर्मियों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, इस बार का चुनाव, ये मोदी जी का चुनाव, भारतीय जनता पक्ष का जो पक्ष का पार्टी का चुनाव, ये तो विश्वेश्वर हेगड़े कागिरी का चुनाव नहीं है, ये हमारा देश का चुनाव है। क्योंकि 1947 में जब को हमारे देश को स्वतंत्र मिला था, तब से जब तक मोदी पावर में आने के पहले हमारा देश की आर्थिकता, हमारी देश की सनातन धर्म का जो रक्षणा हुआ नहीं हो रही थी, सब के वजह से टोटल विश्व में भारत देश का नाम दिन ब दिन बहुत घटिया तरीके से लेने जैसा हो रहा था। नरेंद्र मोदी जी 2014 में पावर में आने के बाद में सिर्फ 10 साल में आज विश्व में भारतीय जनता पक्ष की जो नरेंद्र मोदी जी है, वो विश्व का लीडर बन गए हैं। और हमारा देश सनातन हिंदू धर्म का, संस्कृति का देश, हमारे धर्म को, हमारे सनातन संस्कृति को आज विश्व ही हमारे को जो क्या पुरस्कार देना है वो दे रही है। तो इस बार मोदी फिर आएंगे, इस बार हम 400 पार जरूर करेंगे। इस बार 400 पार जरूर करने की ज़रूरत क्यों है आपको सब मालूम है? जो कश्मीर पाकिस्तान ने लिया है, जो कश्मीर का टुकड़ा चीना ने लिया है, वो हमको वापस लेना है। लेना है कि नहीं है? हमारा पीओके हम वापस लेना है, हमारा चीना हम वापस लेना है, हमारा राम मंदिर बना है। जिस देश में हिंदू का देश है, सनातन धर्मियों का देश है, इधर राम मंदिर बनने के लिए हमारे को 500 साल लग गए। करीब करीब 3 लाख से ज़्यादा राम भक्त मारे गए, करीब करीब 10,000 से ज़्यादा साधु संत मारे गए। इंदिरा गांधी के ज़माने में गो माता के जो रक्षणा करने के लिए करपत्री महाराज गए थे, वहाँ हजारों साधु संत की हत्या हो गई, गो की हत्या हो गई। इसलिए भगवत गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म के ऊपर अत्याचार होगा, साधु संत के ऊपर अत्याचार होगा, कृष्ण ने बोला है मैं जन्म लूँगा। आज मोदी के रूप में कृष्ण ने जन्म लिया है और हमारा सनातन धर्म और जो हिंदू राष्ट्र भारतीय है, वो भारत का रक्षण करने के लिए ही नरेंद्र मोदी जन्मा है। इसलिए हम सनातन धर्मी लोग, वो कांग्रेस में रहेंगे, बीजेपी में रहेंगे, जेडीएस में रहेंगे, कम्युनिस्ट में रहेंगे, मैं उनको सब आज आग्रहपूर्वक विनंती करता हूँ, पक्ष छोड़ दो, जात छोड़ दो, भाषा छोड़ दो, गांव छोड़ दो, मगर धर्म मत छोड़ो। क्यों बोले तो धर्मो रक्षति रक्षिता बोला है। इसलिए हम धर्म के रक्षण किए तो देश का रक्षण होगा, देश का रक्षण हुआ तो दांडेली का रक्षण होगा, दांडेली का रक्षण हुआ तो हम सब लोगों का रक्षण होगा। आज तुम लोग देख रहे हो, आज नया हीरामठ की हत्या हो गई, कम से कम 30 से 40 हिंदू कार्यकर्ताओं का हत्या हो गई। आज ओआईसी साहब बोल रहे, कितने दिन तुम मोदी और योगीनाथ के बल पे उड़ेंगे, जब हमारा मुस्लिम राष्ट्र आएगा हम देख लेंगे हिंदू लोगों को, सब लोगों को। वो हुमायूं बोल के टीएमसी का एमएलए बोल रहा है, सब हिंदू लोगों को काट के हम लोग गंगा नदी में बहा देंगे बोल के बोल रहा है। तो ये लोग होने देंगे आप लोग? आपके जो अगले पीढ़ी है, आपके बच्चे है, आपके पोते है, इनके सबके बारे में ये लोग ये करने देंगे आप लोग? सब लोगों को पैसा होना है, पैसा सबको मांगता है, सब लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बनना है, सबके पास गाड़ी होना जरूरी है, सब है। यूक्रेन में भी सब था, रशिया में भी सब था, जब युद्ध हो गया आज किसके पास भी घर भी नहीं बचा, गाड़ी भी नहीं बचा, पैसा भी नहीं बचा, देश भी नहीं बचा है। इसलिए पहला देश होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास पैसा, गाड़ी, बंगला सब आएंगे, हमारे बच्चों को भी सब की सुविधा मिलेंगे। पहला धर्म का रक्षण करना है। इसलिए मैं सब लोगों को अपील कर रहा हूँ, सिर्फ हम लोग हिंदू समावेश में भाग लेने से कुछ नहीं होगा,
सिर्फ हिंदू के नारे देने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ जय भवानी जय शिवाजी बोलने से कुछ नहीं होगा, सनातन हिंदू धर्म को हम घोषणा देने से कुछ नहीं होगा। हमारा कुछ होना है तो हमारे एक वोट से होना है। 2014 में हमने मोदी को वोट डाला था, 2019 में वोट डाला था, उसका परिणाम आपने देख लिया। कश्मीर 370 निकाल के हमारे पास आ गया, जो पाकिस्तान से आए थे हिंदू भाई लोगों को पौरत्व कायदा में उनको हमने नागरिकता दे दिया। 500 साल का राम मंदिर बन गया, जो काशी विश्वनाथ के देवस्थान के आसपास में जो मुस्लिम लोगों ने 350 हमारे छोटे छोटे देवस्थानों के ऊपर घर बनाया था, वो सबने हमने खाली करके काशी विश्वनाथ का देवस्थान पावन कर दिया है। अभी फिर भी बहुत काम होने वाले बाकी है, मोदी ने ही खुद बोला है। 10 साल में मैंने ट्रेलर दिखाया है, आगे के 2050 तक फिल्म दिखाएंगे हम लोग, फिल्म दिखाएंगे। इसलिए दैव स्वरूपी परमात्मा स्वरूपी जो मोदी जी है हमारे को आज इंडिया को लाभे हुए है। हम उनका जरिए से इंडिया में भारत देश में हमारा सनातन संस्कृति का सनातन धर्म का पुनरुत्थान करना है, जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में हुआ था, पृथ्वीराज सिंह के जमाने में हुआ था, राणा प्रताप के जमाने में हुआ था, उसी जो हिंदू धर्म का जो पुनरुत्थान हम करने का है। इसलिए जरा भी चूकिए मत। इसलिए इस बार में 7 तारीख को जो मतदान हो रहा है उधर जाके वोट करते वक्त हम मोदी को कर रहे बीजेपी को कर रहे ये मत सोचो। मोदी और बीजेपी करने से हम देश के बारे में वोट कर रहे, सनातन धर्म के बारे में वोट कर रहे, देश की अखंडता के बारे में वोट कर रहे, जग में हमारा भारत देश हिंदू धर्म लीडरशिप देने जैसा विश्व नायक बनना है, विश्व गुरु बनना है, इसके हिसाब से हम वोट कर रहे बोल के सब लोग हिंदू लोग वो चाहे कांग्रेस में रहो बीजेपी में रहो JDS में रहो कम्युनिस्ट में रहो सब हिंदू बांधव लोग एक हो करके आज हम लोग इस बार वोट करना है। आप सोचो जरा, मुस्लिम लोग जिधर जिधर है उनका वोट जितना होता है उसमें 100% वोट कांग्रेस को देते हैं, एक वोट भी बीजेपी को नहीं देते। क्यों बोले तो बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, बिनोद जी सनातन धर्मियों का पार्टी है बोल के, मगर हम हिंदू लोग क्या कर रहे हैं? हम हिंदू लोग वो लोग जो कांग्रेस को दे रहे हिंदू लोग भी हम कांग्रेस को दे के आगे के दिनों में ये देश मुस्लिम राष्ट्र होना है बोल के उनका जो कल्पना है वो सच करने में हमारा वोट जा रहा है। ये मत करो, ये बार जहाँ जहाँ हिंदू धर्मी है जहाँ जहाँ बूथ में हिंदू लोग है जो 100 वोट रहेंगे हिंदू के, 100 को 100 वोट नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पक्ष को सनातन धर्म को देते हुए इस बार भारत में सनातन धर्म की पार्टी हिंदू धर्म की पार्टी देश की अखंडता और राष्ट्रीयता की पार्टी के बारे में सोच के वोट दो। जो भारतीय जनता पक्ष हिंदू लोगों ने बनाया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदू है, मगर कांग्रेस पार्टी ब्रिटिश लोगों ने बनाया है, एक क्रिश्चियन आदमी ने बनाया है, इसलिए उनको देश के बारे में कुछ नहीं पड़ा है। इसलिए मैं तुम्हारे को ये गारंटी ये सब कुछ दे रहे हैं ना, ये गारंटी सब लेने के लिए ये देश होना पड़ता है, हम लोग ये देश में रहना पड़ता है, हमारा धर्म रहना पड़ता है। इसलिए इस बार 7 तारीख को भारतीय जनता पक्ष का जो विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी खड़े है उनका 2 नंबर पे कमल का जो चिन्ह है उसे वोट डालो। वो कागेरी को नहीं जाता वोट, वो नरेंद्र मोदी को जाता है, वो वोट भारत देश को जाता है, वो वोट हिंदू सनातन संस्कृति को जाता है। इसलिए इस बार वोट भारतीय जनता पार्टी को करो और इस बार फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार भारत माता की भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम शिवाजी जगत ज्योति बसवेश्वर महाराज की चन्नबन बसवन्ना महाराज की बाबा साहेब अंबेडकर की रानी चन्नम्मा जी की संगोली रायण्णा जी की सम्मान श्री विश्वगुरु नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की। नमस्कार सब लोगों को, अभी एक नया परिवर्तन दांडेली में दिखा रहा हूँ। ओझा साहब पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से सनातन धर्म का सनातन संस्कृति का भारत देश का कुछ भी भला नहीं होगा।
ये कुछ तो होगा तो नरेंद्र मोदी जी से ही होगा, बीजेपी से ही होगा बोल के हमारे पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बुद्धिमंत पाटिल और हम सब लोग लीडर मिल के उनको आज स्वागत कर रहे हैं पार्टी के बारे में। बोलो भारत माता के जय, बोलो भारत माता के जय, बोलो भारत माता के जय, सत्य सनातन हिंदू धर्म के जय, सत्य सनातन हिंदू धर्म के जय।